बैगन का भरता। आज मैं आपके साथ बैगन के भरते की रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, अगर आप इस तरीके से बैगन का भरता बनाएंगे तो आपका बहुत जल्दी बैगन का भरता बनेगा और उतना ही टेस्टी भी बनेगा। देखिए, तो चलिए आइए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल अभी बनना 10। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने मध्यम आकार के 3 बैंगन लिए हैं, जिनको मैंने नीचे से काट लिया है, आधा काटा है और बीच में कट लगाकर लहसुन डाल दी है। अब मैं इसमें सरसों का तेल लगा रही हूँ भूनने से पहले, क्योंकि बैंगन का भरता भून कर बनता है। बैगन को भूनेंगे हम, तो भूनने के लिए सबसे पहले सरसों का तेल लगा कर रख लीजिए बैगन को इस तरीके से, क्योंकि अगर आप सरसों का तेल अच्छे से लगाएंगे तो बैगन उतना ही अच्छे तरीके से भुनेगा और भरता उतना ही टेस्टी बनेगा। अब धीमी आंच पर बैगन को इस तरीके से रख लेंगे। देखिए, बैगन को घुमाते हुए देखिए, मैं एक टाइम पर 2 बैगन को भून लूंगी इस तरीके से। धीमी आंच पर भूनेंगे, क्योंकि अगर आप आंच को तेज कर लेंगे, गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, तो बैगन आपके जल जाएंगे, तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा बैगन के भरते का। तो इसलिए आप इसको धीमी आंच पर सेकें और बैगन को घुमाते हुए नीचे की तरफ, बैगन कच्चा रह जाता है भूनने के बाद भी, इसलिए इसको इस तरीके से खड़ा कर इस तरीके से भूनेंगे। देखिए, करीब मुझे 5 मिनट लगे हैं दोनों बैगन को भूनने के लिए और मेरे बैगन पूरी तरीके से भून चुके हैं। देखिए, काले नहीं हुए हैं, थोड़ा ब्राउनिश सा कलर आया है, तो इससे पता चलता है कि बैगन हमारे भून चुके हैं। देखिए, बैगन को जलाइएगा नहीं, अदरवाइज इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब जो मैंने तीसरा बैगन लिया था उसको भी मैं भून लूंगी। देखिए, नीचे से आपको दिख रहा होगा, नीचे से मैंने एक बड़ा कट लगाया है और देखिए ये 2 बैगन भून चुके हैं। और अगर आप गरम गरम में ही थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने पर अगर आप इसका छिलका उतारेंगे तो ये आसानी से छिलका उतर जाएगा। तीसरे वाले बैगन को इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए इसको भी मैं भून लूंगी। हमारे यहाँ बैगन का भरता बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए मैं 3 बैगन का भरता बना रही हूँ। इस तरीके से घुमाते हुए तीनों बैगनों को भून लेंगे। अब देखिए, हल्का गर्म है बैगन, ये सही टाइम है इसका छिलका उतारने का। जब बैगन बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो तब छिलका आसानी से नहीं उतरता है, इस टाइम पर छिलका आसानी से उतर जाएगा। आप बैगन जब भुन जाए तो इसको पानी में मत डालिए, अदरवाइज इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, सारा टेस्ट पानी में चला जाता है। अब देखिए, इस तरीके से छिलके को उतारते हुए, ये हल्का गर्म है लेकिन छिलका आसानी से इस टाइम पर उतर जाएगा। और देखिए, आपको लहसुन की कलियां भी बीच बीच में दिखाई दे रही होंगी, भुनी हुई लहसुन की कलियां इसके टेस्ट को एनहेंस कर देती हैं। तो इसीलिए आप अलग से चौके में ना डालकर आप बैगन के अंदर इस तरीके से अगर लहसुन की कलियां साथ में भून लेंगे तो बैगन का भरता बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब इसका ऊपर वाला हिस्सा काट लेंगे और ये हमारा देखिए, बैगन का छिलका उतारने के बाद हमारा एक बैगन तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे वाले का भी छिलका उतार लेंगे। अब देखिए, ये दोनों बैगन हमारे, इसको मैंने छिलका उतार कर साफ कर लिया है और तीसरा वाला बैगन भी मेरा भुन चुका है। अब मैं इसका भी छिलका उतार लूंगी। अब देखिए, बैगन को मैश करेंगे, बैगन को इस तरीके से इस साइड से मैश करेंगे
लंबाई वाली साइड से मैश नहीं करेंगे क्योंकि इसके रेशे फिर मुंह पर आते हैं। देखिए इस तरीके से लहसुन की कलियां भी बीच बीच में थोड़ी मैश हो जाएंगी और थोड़ी साबुत रहेंगी तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देंगी। बाद में जब आप बैंगन का भरता खाएंगे तो ये लहसुन की कलियां बहुत अच्छा टेस्ट देंगी। अब मैंने मध्यम आकार की 3 प्याज और 3 टमाटर को रफली चॉप कर लिया है। देखिए इसमें प्यूरी नहीं बनती है प्याज और टमाटर की, ऐसे ही रफली चॉप करके बैंगन का भरता बनाया जाता है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 हरी मिर्च मैंने काट कर रख ली हैं। आप अपने अनुसार अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। अब मैंने एक पैन में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में बैंगन का भरता अगर आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसके बाद जीरा, 1 चम्मच जीरा डाला है मैंने, और उसके बाद जो मैंने प्याज काटी थी वो डाल दी हैं। थोड़ी सी प्याज मैंने बाद के लिए बचा ली हैं। अब इनको हिलाते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे प्याज को। अब देखिए ये थोड़ी सी पक चुकी हैं, पूरी नहीं पकी हैं। ये बिल्कुल सही टाइम है अदरक और हरी मिर्च डालने का। शुरू में मैंने अदरक और हरी मिर्च इसलिए नहीं डाली प्याज के साथ क्योंकि अदरक जल जाता है, जल्दी भुन जाता है, और प्याज थोड़ा टाइम लगाती है भुनने में, इसलिए पहले प्याज को डाला है और उसके बाद अदरक और हरी मिर्च। देखिए अदरक भी मैंने रफली चॉप किया है, थोड़े बड़े पीसीस में चॉप किया है क्योंकि ये भी अपना एक अलग ही टेस्ट देता है बैंगन के भरते में। अगर आप मेरी माने तो बैंगन के भरते में पेस्ट मत यूज कीजिएगा, ऐसे ही रफली चॉप करके सारी चीजों को यूज कीजिएगा तो इनका अलग से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये बैंगन के भरते के टेस्ट को एनहेंस करते हैं। अब देखिए मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं। अब टमाटर अच्छे से भुन जाए तो नमक डाला है अपने स्वाद अनुसार और 1/2 चम्मच हल्दी, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और ये थोड़ा सा गरम मसाला और हींग है, और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो थोड़ी सी आप लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा। अब इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे जिससे मसाले अच्छे से भुन जाएं। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑयल ही इनको अच्छे से भून लेगा। देखिए पूरा मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसके बाद ये बिल्कुल सही टाइम है, जो बैगन हमने मैश करके रखे हुए थे वो बैगन इसमें डाल देंगे, मैश करे हुए बैगन। सारे बैगन डाल दिए हमने, अब इनको मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए सारे बैगन इसमें डाल दिए हैं और बस मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे और आपका बैगन का भरता बनकर रेडी है। देखिए थोड़ी देर के लिए इसलिए ढकेंगे इसको जिससे मसाले इससे अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट और एनहेंस हो जाए। ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब खोल कर देखेंगे और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और उतना ही टेस्टी बैंगन का भरता बना है। और अब आपका बैंगन का भरता तैयार है। अब देखिए बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें वो जो प्याज बची थी और टमाटर वो मैंने डाल दिए हैं और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। ऊपर से कच्ची प्याज और टमाटर डालने से अलग ही टेस्ट आता है, इसमें बिल्कुल चाट वाला टेस्ट आना शुरू हो जाएगा अगर आप इसमें ऊपर से कच्ची प्याज और टमाटर डालेंगे। और अब मैंने 1/2 नींबू निचोड़ दिया है।
और इन सबको मिक्स कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और आपका बैगन का भरता बनकर तैयार है। देखिए कितने कम टाइम में और कितना स्वादिष्ट बैगन का भरता बनकर तैयार हुआ है। और इसमें ज्यादा कोई काम नहीं है, बस आपको प्याज काटनी है, टमाटर काटनी है और बस उसको जैसे आप सिंपल सब्जी छौंकते हैं वैसे ही छौंकना है। बस आपको थोड़ा जब आप बैगन को भूने तो थोड़ा ध्यान देना है कि बैगन आपके जल ना जाए। और देखिए बैगन का भरता बनकर तैयार है। अब आप इसको चावल के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ भी खाना चाहें उसके साथ खाइए। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं प्याज और टमाटर डाल रही हूँ और आपको दिख ही रहा होगा कि कितना स्वादिष्ट बैगन का भरता बनकर तैयार है। तो आप भी बैगन का भरता बनाइए और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपने इसको चावल के साथ खाया कि पूरी के साथ खाया।